हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसमन। आज हम देखेंगे टाइगर कॉरिडोर के बारे में। सो अभी रिसेंटली न्यूज में है, सो मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड जो क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने डिटेल्स दिया है जो कि टाइगर कॉरिडोर का, उसका एक मैपिंग बना के राज्यसभा में प्रेजेंट किया। सो इसलिए अभी न्यूज में है। टाइगर कॉरिडोर क्या है? टाइगर जहाँ पे क्या है, या जो लैंड एरिया में टाइगर का हम वहाँ पे उनका जो हैबिटेट है वो कंफर्टेबल होगा। सो इसको बोलेंगे क्या ना, टाइगर कॉरिडर्स। जहाँ पे टाइगर क्या है, कंफर्टेबल घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है, उसका प्रे एंड अदर वाइल्ड लाइफ जो काम है वो कर सकता है, तो उसको बोलेंगे टाइगर कॉरिडोर। जैसे क्या है, उदयपुर जो टाइगर कॉरिडोर के बिना इनका जो है टाइगर का हैबिटेट मुश्किल है एंड पॉपुलेशन ही बढ़ना बहुत मुश्किल है। सो ये जो कॉरिडोर है ये ऑपरेटेड है अंडर द टाइगर कंजर्वेशन प्लान। ये जो प्लान है प्रोटेक्टेड है एंड इम्प्लीमेंटेड जो है सेक्शन 38 भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो यहाँ पे एक ये जो मैप बनाया, अभी जो कॉरिडोर बनाया इंडिया का, ऐसे बनाया। एक तो हो गया लैंडस्केप है, कॉरिडोर है और कौन सा स्टेट में आता है। एक तो हो गया शिवालिक हिल गैंगेट के प्लेन में, राजा जी से करबेट जो है उत्तराखंड में आता है, करबेट से दुधुआ है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नेपाल में आता है, रणथंभौर कुनो माधव ये जो है मध्य प्रदेश राजस्थान में आता है, बांधवगढ़ देन अचानकमार जो है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आता है, कान्हा एंड नागजीरा जो है, तोदवा जो है, इंद्रावती जो है ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में आता है, नागार्जुन से लेकर जो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है ये आंध्र प्रदेश में आता है, देन सह्याद्री एंड राधानगरी गोवा जो है महाराष्ट्र गोवा में आता है, देन दांदेली अंशी जो है सरवाती वैली जो है ये कर्नाटक के आता है, ये वेस्टर्न घाट का है, देन नागरहोल बंदीपुर मुदुमलाई जो वेनाड है ये कर्नाटक केरला तमिलनाडु, देन कलकाड़ जो है मुदंतुराई जो है पेरियार जो है ये केरला एंड तमिलनाडु में आता है, काजीरंगा ईटानगर जो है ये असम अरुणाचल प्रदेश, मानस से बक्सा जो है असम एंड वेस्ट बंगाल भूटान, सो ये स्टेट में आता है, स्टेट एंड कंट्री में। थैंक यू।